हाई एवरी वन आई होप यू ऑल आर वेल इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर थ्री के अंदर फोर टू फाइव लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो मैं ऑलरेडी आपके साथ एग्जाम पैटर्न वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहाँ से देख लेना और चैप्टर वन की जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ दो पार्ट में उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर थ्री इसको मैं दो पार्ट्स में अपलोड एक वीडियो के अंदर दो लॉन्ग क्वेश्चन और दूसरी वीडियो के अंदर जो है दो लॉन्ग क्वेश्चन जो है मैं एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो के अंदर हमने जो पहला क्वेश्चन करना है लॉन्ग दैट इज वट इज़ द रिलेशन ऑफ सोशोलॉजी विद हिस्ट्री सो इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है कि हिस्ट्री और सोशोलॉजी दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ह्यूमन सोसाइटी पर फोकस करते हैं हिस्ट्री मेन इवेंट्स को जो है डिस्क्राइब करता है एशियन टाइम से लेके आज की ह्यूमन सोसाइटी तक और उसको प्रॉपर सीक्वेंस में स्टोरी वाइज जो है हर चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब करता है हिस्ट्री सब्जेक्ट सोशोलॉजी जो है हिस्ट्री में से ही ओरिजिनेट हुआ है हिस्ट्री जो है पहले आया सब्जेक्ट और उसी में से ही फिर एक ब्रांच निकल के आई है सब्जेक्ट की दैट इज़ सोशोलॉजी हिस्ट्री जो है पास टाइम ऑफ ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करता है इट प्रिपेयर सीक्वल डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी की सीक्वेंस वाइज जो भी मेन मेन इवेंट हुए हैं हिस्ट्री में वो डिस्क्राइब किए जाते हैं एशियन टाइम से लेके आज तक के टाइम का हिस्ट्री डज़ नॉट एक्सप्लेन ओनली वट वॉज़ बट इट ऑल्सो एनालाइज़ हाउ इट हैपन्ड कि हिस्ट्री के अंदर सिर्फ यही नहीं होता कि वो चीज़ क्या थी उसके पीछे रीजनस कि वो चीज़ क्यों हुई वॉट आर द इवेंट्स और द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इवेंट कि उसके पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वर्ल्ड वॉर टू हम पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड वॉर टू के पीछे के कारण क्या रहे होंगे वो तो सारा हम हिस्ट्री के अंदर जो है स्टडी करते हैं दैट्स वाई आफ्टर स्टडिंग हिस्ट्री वी कम टू नो हाउ सोसाइटी ओरिजिनेटेड तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद ही हमें पता लगेगा कि सोसाइटी कैसे ओरिजिनेट हुई है कैसे जो है उसके अंदर रिलेशन कस्टम ट्रेडिशंस इंस्टीट्यूशन्स ग्रुप्स धीरे धीरे जो है बने हैं जबकि अगर दूसरी तरफ हम बात करें सोशोलॉजी जो है आज की प्रेजेंट ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करती है उसके अंदर सोशल रिलेशनशिप्स उनके फॉर्म्स कस्टम ट्रेडिशंस इंस्टीट्यूशंस हम वो पढ़ते हैं तो हिस्ट्री बेसिकली फ़ोकस करती है पास्ट सोसाइटी पे और सोशोलॉजी फ़ोकस करती है प्रेजेंट सोसाइटी पर नेक्स्ट हेडिंग जो आपने इसके अंदर डालनी है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री टू सोशोलॉजी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशोलॉजी के अंदर तो सोशोलॉजी जो है जो भी मटीरियल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट मैटर वो सोशोलॉजी में हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन सोसाइटी की अगर हम बात करें वो वेब है सोशल रिलेशनशिप्स का कि बहुत सारे सोसाइटी के अंदर सोशल रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं एशियन टाइम से बहुत पुराने टाइम से वो अब स्टार्ट नहीं हुए हैं अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ की तो इसके सारे आंसर्स भी हमें कहाँ मिलेंगे पास्ट में हिस्ट्री में मिलेंगे क्योंकि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई है कैसे धीरे धीरे डेवलप हुई है आज इंडिविजुअल्स कैसे सोसाइटीज़ में रहते हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर्स हमें हिस्ट्री में मिलेंगे वी कैन गेट द नॉलेज ऑफ सोशल फैक्ट्स ओनली फ्रॉम हिस्ट्री दैट्स वाई टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट वी नीड द हेल्प ऑफ हिस्ट्री तो आज प्रेजेंट सोसाइटी को समझने के लिए हमें पहले पास्ट सोसाइटी समझनी पड़ेगी सोशोलॉजी की अगर बात करें हम लोग उसके अंदर कंपैरेटिव मेथड यूज़ किया जाता है कंपैरेटिव मेथड का मतलब है जिसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर किया जाता है कि वो लोग कितने डेवलप हुए हैं उनकी स्टार्टिंग हुई थी सोसाइटी के अंदर ओरिजिन कैसे हुआ था कैसे वो सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं तो यहाँ पर सोशोलॉजी के अंदर कंपेयर किया जाता है और कंपेयर करने के लिए हमें हिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी कि उन इंस्टीट्यूशंस और ग्रुप्स की शुरुआत कैसे हुई थी जो डर्किम है वो एक सोशोलॉजिस्ट हैं जब उन्होंने स्टडी किया था सोशल फैक्ट को तो उन उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन गेन की थी वो पहले ली थी सबसे पहले हिस्ट्री से फिर उसके बाद जाकर उन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और ग्रुप्स को कंपेयर किया गया तो टू अंडरस्टैंड सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड कंडीशन सोशोलॉजिस्ट आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन हिस्ट्री तो सोशोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं उनको पहले हिस्ट्री से हेल्प लेनी पड़ती है तब जाके वो अपनी थ्योरी जो है कम्प्लीट कर सकते हैं तो दैट्स वाई अ न्यू ब्रांच ऑफ सोशोलॉजी हिस्टोरिकल सोशोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड तो इसीलिए हम कह सकते हैं दोनों सब्जेक्ट बहुत कनेक्टेड हैं इसीलिए एक नया ब्रांच जो है निकल के आया एक नया सब्जेक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं हिस्टोरिकल सोशोलॉजी नेक्स्ट है आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशोलॉजी टू हिस्ट्री सो यहाँ पर किस तरीके से सोशोलॉजी जो है हिस्ट्री को हेल्प करता है तो ऐसा ही नहीं है कि सोशोलॉजी ही सिर्फ हिस्ट्री में से चीज़ें बोरो करता है हिस्ट्री भी सोशालोजी में से बहुत सारी चीज़ें जो है लेती है अपनी वर्ड्स uh, को क्लियर करने के लिए थ्योरीज को क्लियर करने के लिए सो हिस्ट्री आल्सो यूजेस मटेरियल ऑफ सोशियोलॉजी मॉडर्न हिस्ट्री हैज़ इंक्लूडेड सम ऑफ़ दी सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इन इट सब्जेक्ट मैटर अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं या चीज़ें हैं जो सोशोलॉजी से ली गई हैं इसी हम बोल सकते हैं एक नया जो ब्रांच है अगेन एक नया सब्जेक्ट बनाएं जिसको क्या बोलते हैं सोशो सोशल हिस्ट्री इन दिस वे वी कैन से दैट हिस्ट्री नाउ बोरो थिंग्स फ्राम सोशोलॉजी कि हिस्ट्री भी बहुत सारी चीज़ें बोरो करती है सोशोलॉजी से अपने थ्योरीज uh, को एक्सप्लन करने के लिए वर्ड्स को एक्सप्लन करने के लिए सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि सोशोलॉजी और हिस्ट्री दोनों ही स्टडी करते हैं सेम टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर को बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों जो हैं ह्यूमन सोसाइटी को ही स्टडी uh, करते हैं बट दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफ़रेंट है वो पास्ट के रिलेटेड ज़्यादा फोकस करते हैं हिस्ट्री में और सोशोलॉजी में प्रेजेंट सोसाइटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है बोथ आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है बल्कि एक दूसरे की मदद करते हैं और आगे uh, चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज डिफ्रेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशोलॉजी की दोनों में डिफरेंस क्या है यह हमने सिमिलैरिटीज़ तो कर ली कॉन्ट्रीब्यूशन किया कि कैसे दोनों जो है इंटर रिलेटेड हैं बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है दोनों में वो पॉइंट वाइज करेंगे सो फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस इन आउटलुक दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं सब्जेक्ट मैटर तो सेम होता है ह्यूमन सोसाइटी बट दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है जैसे हमें बताई है हिस्ट्री एक्सप्लेन करती है वॉर को कि पूरी उस टाइम पे जो वॉर हुई थी बट सोशलॉजी जो है वो स्टडी करती है उस प्रोसेस को जो उसके पीछे का रीजन है उस वॉर के हिस्ट्री जो है स्ट्रेस करती है पास्ट सोसाइटी पर और सोशोलॉजी जो है वो स्ट्रेस करती है प्रेजेंट सोसाइटी पर सेकेंड पॉइंट इज डिफरेंस इन सब्जेक्ट मैटर दोनों का सब्जेक्ट मैटर जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है अगर हम बात करें सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशलॉजी इज़ वेरी वाइड कि सब्जेक्ट मैटर सोशोलॉजी का बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री सब्जेक्ट मैटर हिस्ट्री स्टडीज सम ऑफ दी स्पेशल इवेंट की हिस्ट्री के अंदर सिर्फ मेन मेन चीज़ें जो हैं इवेंट उनको कवर किया जाता है बट सोशोलॉजी जो है स्टडीज़ जनरल लॉ आज अगर हम प्रेजेंट सोसाइटी पढ़ रहे हैं सोशालोजी के अंदर उसके अंदर हर एक जो इवेंट हो रहा है उसको हम स्टडी करेंगे तो इसीलिए हम कह सकते हैं सोशोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत वाइड है थर्ड पॉइंट डिफरेंस इन मैथड्स दोनों के मैथड्स में काफ़ी फ़र्क है सोशोलॉजी का मैथड कम्पेरेटिव मैथड है जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन और ग्रुप्स को कंपेयर किया जाता है हिस्ट्री का मैथड जो है डिस्क्रिप्टिव है उसके अंदर हर एक इवेंट को स्टोरी वाइज डिस्क्राइब किया जाता है प्रॉपर सीक्वेंस में ओरिजिन से लेके एंड तक फोर्थ पॉइंट डिफ्रेंस इन यूनिट्स जो यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑफ सोशोलॉजी है इज़ ह्यूमन सोसाइटी एंड ग्रुप कि सोशोलॉजी के अंदर हम जो भी एनालिसिस या रिजल्ट निकालते हैं किसी थ्योरी का वो सोसाइटी और ग्रुप पर बेस्ड होता है बट तो हिस्ट्री के अंदर जो भी हम स्टडी का एनालिसिस निकालते हैं वो ज़्यादातर फोकस करता है ह्यूम्स को रेदर देन ह्यूमन सोसाइटी या फिर ग्रुप को उसमें इंडिविजुअल्स के जो फंक्शन होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कॉन्क्लूजन फोर टू फाइव लाइन्स जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी में से ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं अगर आपको नहीं पता लगे तो फिर भी मैंने आपके लिए ये लाइन्स लिख दी हैं आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो एंड कॉन्क्लूजन लिखना इज मस्ट जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको कॉन्क्लूजन ज़रूर लिखना है चाहे आपका आंसर इनकम्प्लीट ही क्यों ना हुआ हो आपके पास टाइम कम था आपने दो पेजेस लिखे हैं बट आपने आंसर लिखने के बाद कॉन्क्लूजन जो है ज़रूर लिखना है अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग जो इस चैप्टर में से है दैट इज डिस्कस द रिलेशन ऑफ सोशोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी नाउ फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी इज हिस्ट्री कि जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट है उसका ओरिजिन कौन से सब्जेक्ट से हुआ है हिस्ट्री से वैसे ही एंथ्रोपोलॉजी का सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है बायोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंटर रिलेटेड है एक दूसरे की मदद करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें सोशोलॉजी की जैसे हमें पता है ये स्टडी है मॉडर्न सोसाइटी की जिसके अंदर हम सोशल रिलेशनशिप सोशल इंस्टीट्यूशंस सोशल ग्रुप्स और कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं वो हम स्टडी करते हैं सोशोलॉजी के अंदर एंथ्रोपोलॉजी जो है दो ग्रीक वर्ड से बना है एंथ्रोपोस जिसका मतलब है ह्यूमन लोगिया जिसका मतलब है साइंस सो एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम साइंस ऑफ मैन को स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ़ मैन फ्रॉम फिजिकल कल्चरल एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू सो एंथ्रोपोलॉजी हम कह सकते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर हम मैन का ओरिजिन और कैसे कैसे वो सोसाइटी में डेवलप हुआ है उसको स्टडी करते हैं फिजिकल कल्चरल सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज़ वेरी वाइड क्योंकि उसके अंदर जो है काफ़ी चीज़ें और एड ऑन हो जाएंगी इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है फर्स्ट है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी सेकेंड प्री हिस्टोरिकल आर्क्योलॉजी थर्ड सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी नाउ नेक्स्ट हेटिंग इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू सोशलॉजी की एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो कैसे सोशोलॉजी सब्जेक्ट की मदद करता है सोशोलॉजी जो है टेक्स अ लॉर्ड ऑफ हेल्प फ्रॉम द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सोशोलॉजी सब्जेक्ट जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंथ्रोपोलॉजी से बोरो करता है फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करें उसके अंदर ग्रुप्स और रेसिस को स्टडी किया जाता है रेसिस का मतलब होता है जाति जिसमें हम लोग अलग अलग सब ग्रुप्स की बात करते हैं सोशोलॉजिस्ट जो हैं अलग इंस्टीट्यूशनस को और ग्रुप्स या सिस्टम्स को समझने के लिए इन सब्जेक्ट्स मैटर को पहले एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं तब फिर वो सोशियोलॉजी के अंदर इन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं सोशोलॉजी जो है बहुत इंटरेस्टेड है एशियन सोसाइटी में हमें पता है कि सोशोलॉजी के अंदर पहले हम पास सोसाइटी के अंदर जो भी चल रहा उस है उस नारियों को स्टडी करते हैं उसके बाद आज की सोसाइटी जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे तो वो जो पुराना एशियन सोसाइटी है वो सब्जेक्ट मैटर आता है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर सो so सोशोलॉजी जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट बोरो करता है एंथ्रोपोलॉजी से जैसे कि कल्चरल एरिया कल्चरल ट्रेड जैसे कल्चर्स जो हैं पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी के कल्चर्स जो है बहुत हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे डिविजन्स बने हुए हैं ग्रुप के कल्चरल लैग कि एक ग्रुप जो है वो बहुत आगे कल्चरली एडवांस हो गया और एक ग्रुप बहुत पीछे रह चुका है उसको बोलते हैं कल्चरल लैग तो ये सारी चीज़ें जो है एंथ्रोपोलॉजी में एक्सप्लेन की होती हैं और सोशोलॉजिस्ट वहाँ से बोरो करते हैं सो ऑल दिस आर वेरी हेल्पफुल फॉर द सोशोलॉजिकल स्टडी इसी एक नया सब्जेक्ट एक नया ब्रांच निकल के आया है उसको क्या बोलते हैं कल्चरल सोशोलॉजी नेक्स्ट हेडिंग इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशोलॉजी टू एंथ्रोपोलॉजी कि कैसे सोशलॉजी एंथ्रोपोलॉजी की मदद करता है सब्जेक्ट सो इट्स नॉट ओनली दैट सोशलॉजी टेक्स हेल्प फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी बट एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो टेक्स हेल्प फ्रॉम सोशोलॉजी कि दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे से सब्जेक्ट मैटर जो है बोरो करते हैं एक दूसरे की हेल्प लेते हैं इट इज़ नेसेसरी फॉर एंथ्रोपोलॉजी टू अंडरस्टैंड द सोशल इंट्रैक्शन एंड रिलेशनशिप कि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल इंट्रैक्शनस ग्रुप्स जो हैं अलग अलग सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं इंटरेक्शंस कर रहे हैं रिलेशनशिप्स कैसे बन रहे हैं तो उसके अंदर ये स्टडी करना पड़ता है नो सोसाइटी इज़ विदाउट एनी कल्चर एंड इट्स ओरिजिन डिपेंड्स अपॉन इंटरेक्शन्स एंड रिलेशन तो कोई भी आज के टाइम में ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ पर कल्चर्स नहीं एग्जिस्ट करते जहाँ पर हमें ये स्टडी नहीं करना पड़ता कि इंट्रैक्शंस कैसे हो रहे हैं कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन्स मेनटेन करते हैं ह्यूमन्स तो ये सारी चीज़ों का आंसर जो है सोशोलॉजी के अंदर मिलता है एंथ्रोपोलॉजी हैज़ मेड मैनी हाई पॉथिसिज ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी सो एपोलॉज ॉजी ने बहुत सारी ऐसी थ्योरीज दी हैं मॉडर्न सोसाइटीज पर बट उसका पहले उन्होंने हेल्प कहाँ से ली है सोशोलॉजी से वहाँ से कॉन्सेप्ट उन्होंने पहले क्लियर किए कुछ चीज़ें जो है वहाँ से उन्होंने बोरो की देन उन्होंने अपनी जो थ्योरीज हैं वो एक्सप्लेन की हैं सो एंथ्रोपोलॉजी हैज़ इंक्लूडेड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड मैथड ऑफ सोशलॉजी इन इट्स ओन सब्जेक्ट मैटर नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंस बिटवीन सोशॉलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या है फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस इन सब्जेक्ट मैटर दोनों का सब्जेक्ट मैटर जो हम स्टडी करते हैं वो डिफरेंट है सोशॉलॉजी so, के अंदर हम स्टडी करते हैं सोशल रिलेशंस ऑर्गनाइजेशन सोशल सिस्टम बट एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम पूरी सोसाइटी स्टडी करते हैं जैसे कि रिलीजियस पोलिटिकल इकनॉमिक कल कल्चरल ये सारी चीज़ें जो है हम स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर सेकेंड पॉइंट एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी दोनों के अंदर कल्चर को स्टडी किया जाता है बट जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है उसके अंदर कल्चर जो स्टडी होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है और स्टैटिक जो चेंज नहीं होता वो वाला कल्चर जो है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं बट सोशोलॉजी के अंदर जो कल्चर पढ़ते हैं वो चेंजेबल होता है वो डायनमिक होता है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है इसीलिए हम कह सकते हैं सोशोलॉजी का जो कल्चर आस्पेक्ट है वो बहुत लार्ज है थर्ड पॉइंट एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी दोनों ही मैन और उसके कल्चर को स्टडी करते हैं बट एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर हम एशियन टाइम्स में पढ़ते हैं वो सारा कुछ और सोशोलॉजी के अंदर हम मॉडर्न सोसाइटी में जो चल रहा है मैन और उसके कल्चर के बारे में वो स्टडी करते हैं फोर्थ पॉइंट एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ऑब्जर्वेशन मैथड यूज़ किया जाता है एक्सप्लन करने के लिए चीज़ों को और सोशोलॉजी के अंदर सर्वे स्केड्यूल क्वेश्चन एर स्टैटिक्स मैथड कंपेरेटिव मैथड ये सारे मैथड जो है यूज़ किए जाते हैं नाउ एंड में कॉन्क्लूजन फ़ोर टू फाइव लाइन्स जो भी अभी हमने डिस्कस किया है उसमें से इंपॉर्टेंट लाइन्स आप लिख सकते हो अगर आपको नहीं पता लग रही तो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख भी दी हैं सो so, इस वीडियो के अंदर हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इसी चैप्टर के दो क्वेश्चन जो हैं और डिस्कस करेंगे सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले I hope you will find this video informative. If you have any doubt related to this video or your syllabus, comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel. All the best for the exam. Have a nice day.